ियनली कंफ्रंटेशन और को एग्जिस्टेंस बाय मलिहांफ्रंटेशन और को एग्जिस्टेंस कन्फ्रंटेशन कहते हैं तसादुम को या फिर को एग्जिस्टेंस यानी कि दोनों को कुछ न कुछ स्पेस मिले दोनों ही की को एग्जिस्टेंस मौजूद हो तो इसमें मलिहा लोधी ने अपना टाइटल दिया है कि क्या तसादुम या फिर को एग्जिस्टेंस इन दोनों में से क्या चीज चलेगी यूएस और चाइना के बारे में ये बेसिकली है ठीक है और आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है है ऐसे राइटिंग में इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है ठीक है सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो हम इसको स्टार्ट करते हैं

स्टेबलाइज करने के लिए, दोनों के के लिए लिए दोनों रिलेशनशिप ठीक ठीक है है होती है आई है इस तरह से कुछ एफर्ट्स। an जी अब आगे कह रहे हैं कि जी ताइवान जो है वो डेंजरस फ्लैश पॉइंट ही रहा है दोनों के तसादुम में ठीक है जो कि लास्ट टाइम अब इसको लेट बेयर uh, किया गया है ठीक है लास्ट वीक ठीक है जबकि

ठीक है जो हैव लॉन्ग फियर ठीक है काफी अरसे तक जो है वो रहे हैं बियॉन्ड रहे हैं आ, फियर से एंड इन एडवर्टन ड्रिफ्ट इन टू कॉन्फ्लिक्ट ठीक है दोनों साइड से यानी कि जो नादानिस्ता है ना इन एडवर्टन कहते हैं नादानिस्ता तौर पर ठीक है दोनों के दरमियान नादानिस्ता तौर पर ही रहा दोनों साइड से नहीं चाहते थे वो कि इस तरह से इस चीज को रोकें ठीक है मिलिट्री एक्टिविटीज को करें लेकिन अब ये जो सनैरियो है वो ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है दिस प्रॉमटेड एन एक्सचेंज ऑफ टफली वेड वर्डेड स्टेटमेंट बिटवीन द टॉप डिफेंस ऑफिशियल ऑफ द टू कंट्रीज दोनों जो कंट्रीज हैं जिसमें वेस्ट और चाइना uh, शामिल है ठीक है साइनो यू एस रिलेशन की हम बात करें यहाँ पर दोनों के दरमियान जो ऑफिशियल डिफेंस सिस्टम है जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से जो है वो टफ वर्ड जो है स्टेटमेंट जो है वो एक्सचेंज हुई दे यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑफ द शेंगरी ला सिक्योरिटी डायलॉग ऑर्गेनाइज एवरी इयर बायन बेस्ड थिंक टैंक इन सिंगापुर टू सेंड ईच अदर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ठीक है उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया उन्होंने सिक्योरिटी डायलॉग वहां पर किया है? इन्होंने ठीक है लंडन बेस्ड ये थिंक टैंक था सिंगापुर में ठीक है तो उन्होंने अपने स्ट्रॉन्गे मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को भेजे द स्टेटमेंट बाय चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर ली शिंगफू वो स्पेशली शार्प ठीक है जो स्टेटमेंट थी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की वो भी बहुत शार्प थी रेफरिंग टू नेविगेशनल हेजमनी और वो रेफर किसको कर रहे थे

navigational hegemony For his part, the American Defense Chief, uh, Lloyd Austin, axailed China for risky aerial actions over the South China Sea and warned of a U.S. response or to threatening actions. bullying or coercion. ठीक है अब उनकी तरफ से अब इस पार्ट पे देखें तो जो American Defense Chief हैं, ठीक है उन्होंने भी axailed किया China को ठीक है अपनी इन action की वजह से उन्होंने कहा कि South China Sea की तरफ से उन्होंने warn किया कि U.S. response करेगा, ठीक है threatening actions लेगा, coercion की तरफ भी जा सकता है, but

सिंगापुर में उनको उसका बाइकोट कर दिया मतलब उसको टर्न डाउन कर दिया तब जब तक वो सेंशन नहीं हटा लेता ना वेस्ट ठीक है जो चाइनीज ऑफिशियल पर लगाई गई है कि रशियन वेपन्स वो खरीद रहे हैं तो उस हवाले से तब तक वो जो है उनके साथ बायोलिटरल मीटिंग में नहीं आएगा ठीक है जी ऑल दो दिस एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ओनली री एनफोर्ड टेंशन तो फिर अगर चाहिए जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थी ये जो स्टेटमेंट्स थी जो दोनों तरफ से एक्सचेंज हुई इसने और मजीद सिर्फ टेंशन को बढ़ाया ही है The unannounced visit to Beijing last month by the CIA chief Bill Burns marked an effort to bring down the temperature and mentise ठीक है और एक अनअनाउंस्ड विजिट भी हुई बीजिंग की last month से ये ये chief Bill Burns इनकी क्या एफर्ट थी ये एक टेम्परेचर को जो गर्मागर्मी चल रही है और इस चीज को कम करने के तरफ एक कदम था एक एफर्ट थी ठीक है और टेम्परेस करवाने के लिए भी था explaining the nature of the Explaining the nature of the trip, a U.S. official was quoted as saying it aimed at emphasizing to his Chinese counterparts the importance of maintaining open lines of communication and intelligence channels. ठीक है अब U.S की तरफ से जो है वो quote किया जा रहा है यहाँ पर इसी चीज को इसी trip की nature को explain करने के लिए कि वो चाहते हैं ये इसी चीज पर जोर देते हैं चाइना के काउंटर पार्ट्स पे और इम्पोर्टेंस किस चीज की रखते हैं कि मेंटेन करें वो जो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है इंटेलिजेंस चैनल्स पर उनको बरकरार रखें ठीक है ही वाज द द हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टू विजिट चाइना ये कौन थे जी हाइस्ट लेवल ऑफिशियल थे बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कि चाइना की तरफ विजिट किया जिन्होंने यूएस सेक्रटरी ऑफ स्टेटनी एंथनी ब्लिकन इज नाउ एक्सपेक्टेड टू गो टू बीजिंग इन द कमिंग वीक्स और अब जो है यूएस यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकिन जो है उनसे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी बीजिंग में कमिंग आने वाले वीक में जो है वो उधर जाएंगे उधर विजिट करेंगे हिज विजिट इन फेब वॉज कॉल्ड ऑफ एमिड राइजिंग टेंशन ठीक है इनकी लास्ट टाइम जो फेब में मीटिंग थी उनको कॉल्ड ऑफ एमिड राइजिंग टेंशन वाली विजिट कहा जाता है ठीक है जी वॉशिंगटन डिजायर टू हॉल्ट द स्लाइड इन टायर्स वॉज ऑल्सो इन द स्टेटमेंट बाय प्रेजिडेंट जो बाइडन एट द ग्रुप ऑफ सेवन जी सेवन लास्ट मंथ ठीक है अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये भी एविडेंट है जो वाशिंगटन की डिजायर थी हॉल्ट मतलब होता है रोकना ठीक है स्टाइज जो ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कशीदगी की तरफ जा रहे थे ठीक है तो इस स्टेटमेंट से हमें नजर आता है प्रेसिडेंट जो, जो बाइडेन की स्टेटमेंट थी जो कि उन्होंने अपनी जी सेवन की समिट में लास्ट मंथ दी ठीक है दैट क्या कहते हैं जी दैट ही एक्सपेक्टेड एंड इमिनेंट था ठीक है एमनेंट क्या होता है आने वाला जो नजदीक होता है ठीक है और था होता है किसी चीज का पिघलना ठीक है आने वाली चीज में जो पिघलाव आएगा इन रिलेशन विद चाइना यानी चाइना के साथ रिलेशन में थोड़ा सा पिघलाव लाएंगे यानी कि जो गर्मा गर्मी चल रही है उसको थोड़ा ठंडा करेंगे द समिट्स में कम्युनिक कम्युनिको लेड आउट द यूएस लेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी फॉर डी रिस्किंग रदर देन डी कपलिंग फ्रॉम द चाइनीज इकोनॉमी ठीक है उन्होंने ये भी समिट में बताया कि देखें यूएस लेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है वो डी रिस्किंग की तरफ लेकर जाएंगे ना

ठीक है ना मतलब के रिलेशन को खतरनाक मोड पर ले जाएं या गर्मा गर्मी जारी रखें अवर रिलेशन आर नॉट ब्लैक और वाइट वो कहती हैं जी कि हमारे रिलेशन ना ही काले और सफेद की तरह नहीं है एंड अवर रिस्पॉन्स नॉट बी आइदर बिल्कुल भी नहीं है ना काला ना सफेद ठीक है यानी ना तो बहुत बुरा और ना ही बहुत ज्यादा अच्छा दिस इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन डी रिस्क नॉट डी कपल ये इसलिए है क्योंकि हम फोकस किस पर करना चाह रहे हैं वो कहती हैं जी डी रिस्क पे ना ना के डी कपल पे ठीक है एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशन बिटवीन द यू एस एन

ठीक है लेकिन अभी तक ये नहीं हुए द नोशन इज जनरली अः अंडरस्टूड टू मीन बिजनेस कैन कंटिन्यू विद चाइना सो लॉन्ग एज डिपेंडेंस इज रिड्यूस्ड ऑन द चाइनीज इकोनॉमी ठीक है जी नोशन क्या है जी जनरली ये अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब ये कि बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं जो कि चाइनीज इकोनमी पे है एंड इट इन्वॉल्व कर्ब्स ठीक है कर्ज भी होता है रोकना ठीक है ऑन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स एज वेल एज डिमिनिशेज चाइनाज कंट्रोल ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स ठीक है और ये साथ साथ बेस्ट जो है वो इसको पे भी रोक लगाना चाहता है जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हो रही है खत्म करना चाहता है चाइना के कंट्रोल को जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन इस वक्त बनाई हुई है जिसने इन वन सेंस इट इज एक्नोलेजमेंट दैट इज एन अनरियलिस्टिक गोल ठीक है एक सेंस में ये है कि इस चीज को समझा जाए कि डीकपलिंग जो है ये एक अनरियलिस्टिक गोल है इट मे ऑल्सो भी रिकोग्शन ऑफ द रिलेक्टेंस बाई अमेरिका यूरोपियन अलायस ठीक है और साथ ही साथ रिकोगशन भी किसकी अमेरिकन यूरोपियन अलायस की हु इज ट्रेडिंग पार्टनर इस चाइना जिसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इस वक्त चाइना है टू बी पुश टू फॉर इन कंस्ट्रेनिंग देयर इकोनॉमिक टाइज विद बीजिंग जो कि उन्हें रोक नहीं पा रहा कि वो इकोनॉमिक टाइज जो है वो खत्म करें चाइना के साथ विदाउट हार्मिंग टेमसेल्स ठीक है Okay, अपने आप को उन, उनको नुकसान पहुंचाए बगैर बट एज सेवरल अदर्स हैल्सो पॉइंटेड आउट बल्कि दूसरे भी जो है वो भी इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं द नोशन इज इम्प्रिसाइज ठीक है जी इम्प्रिसाइज im, uh, होता है गलत होना ठीक है एंड वुड बी ओपन टू डिंग इंटरप्रिटेशन बाई अमेरिकाज अलायंस पार्टनर स्पेशली इन इम्प्लीमेंटेशन ठीक है जी दूसरा भी यही है कि गलत ही है ये भी एक नजरिया हम देखें तो कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नजर आ रही है अमेरिका के अलाय अलायसेज जो है जो पार्टनर्स हैं ठीक है स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन में हम देख सकते हैं के बीचिंग का साथ वो देना ही उनको पड़ा है

तरफ से कि जो है वो नाम निहार ठीक है नॉमन क्लेचर नाम निहात किस्म के मीनिंगलेस किस्म के एक्शन दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने टारगेट किया हुआ चाइना को और उनका यही एम है कि उसको कंटेमिनेट किया जाए ऑल द बाइडन एंड प्रेजिडेंट जी जिनपिंग लास्ट नवंबर इन बाली ऑन द द ऑफ जी ट्वेंटी है अब जी जिनपिंग आपको बता रहे हैं कि एग्री हुए थे जी फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई लास्ट नवंबर बाली में ठीक है जिनमेंटी की मीटिंग में भी थी साथ साथ उन्होंने क्या कहा जी टू डी डिसलिरेट टेंशन डिसेलीरेट होता है कम करना ठीक है कम करना को कम किया जाएगा एंड मैनेज देयर कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिली और जो कॉम्पिटिशन है उसको मैनेज किया जाएगा के साथ, तो ये एक issues, uh, अब डिफरेंस जो है वो नैरोड नहीं है ओवर दुअस इशूज ठीक है जितने भी हमें डिस्प्यूट नजर आ रहे हैं झगड़े नजर, नजर आ रहे हैं जो कि डिवाइड करते हैं ताइवान है ट्रेड है उसमें आ जाती टेक्नोलॉजी

की वजह से जो है वो उस तरीके से डिफेंड नहीं हो पा रहा

strengthened Beijing's belief that the U.S. under Biden insists on pursuing a, a strategy to contain China. ठीक है अब ये इसकी strategy यही है कि Beijing का जो belief है जो ये China ये जो U.S. है वो किसी ना किसी तरीके से pursue कर ले चीजों को और counter कर सके China को contain कर सके ठीक है उसकी strategy के through which has prompted an assertive response from Beijing. ठीक है जिसका एक assertive जो है response मिलता है Beijing की तरफ से. Washington is also engaged in a battle to maintain supremacy in technology with इंटेंस चिप वॉर अंडर वे ठीक है वॉशिंगटन इसमें भी एंगेज है कि वो बैटल करे मेंटेन रखे अपने कौन सी बैटल कर है वो अपने मेंटेन करने के लिए अपनी सुप्रीमेसी को टेक्नोलॉजी में भी ठीक है इंटेंस चिप वॉर यहाँ पे चल रही है

मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रेंजिंग में जो सुपर कंप्यूटर वो बनाती हैं स्मार्टफोन्स टू ऑटोमोबाइल्स तक जा रही हैं जो कि चाइना बना रहा है ठीक है उसको काउंटर करने के लिए यूएस भी कोशिशें अपनी कर रहा है, तो है ये ये बदतर करती जा रही है तालुक को वेयर द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय रिलेशनशिप तो यहाँ पे क्वेश्चन ये मलिहांफ्रंटेशन ये डेंजरस जो खतरनाक तस्वुम है दुनिया में इंपॉर्टेंट जो है वो बायोलिटरल रिलेशनशिप के लिए खतरा ही है ये क्या है इसका ये यहाँ पे सवालिया निशान है

भी कह रहे हैं कि जो अनमैनेज कंपटीशन चल रहा है ना दुनिया में तो ये दुनिया की दो पावर्स जो ग्लोबल पावर्स हैं इस वक्त तो ये उनको एक ऐसे कोर्स में आ जाएगा जो के जिसकी पेशन गोई ना हुई भी होगी जो है दूसरे ये भी देख रहे हैं कि खतरा भी देख रहे हैं कि एक मिस कैलकुलेन का खतरा है एज हेनरी रिसेंट इंटरव्यू इकोनॉमिस्ट जो है जर जो की यहाँ पे US ही के जो है वो हेड रहे हैं

Responsive and increasingly assertive China will be to core US concern के increasing जो assertive China है वो किस तरह से US के concerns को देखेगा ठीक है ची ये था इसका analysis अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो kindly इसको like की share की चेगा. thank you very much Allah Hafiz